चलिए इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है आपको वो बताएं, मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री गहलोत ने लगाई फाइल पर मुहर, सीएचओ के 1500 अतिरिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी। 6310 पदों पर पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया, अब कुल 7810 पदों पर होगी सीएचओ की भर्ती। ये बड़ी खबर, 6310 पदों पर पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया, अब कुल 7810 पदों पर होगी सीएचओ की भर्ती। और हमारे सहयोगी नरेश ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। नरेश, मुख्यमंत्री गहलोत का ये बड़ा फैसला सामने आया है, फाइल पर मुहर लग गई है और अब जो संख्या 6310 की थी सीएचओ की, वो 7810 होगी। बिल्कुल खुशबू, देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, उसके अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएचओ की 6310 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही थी, लेकिन अब 1500 अतिरिक्त पदों को जोड़ने का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला किया है। ऐसे में अब सीएचओ के कुल जो 7810 पद है उन पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फाइल पे मंजूरी दे दी है और साथ में इस भर्ती से अगर हम बात करें तो 1500 अतिरिक्त पद अगर शामिल कर जाते हैं तो कई युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। इनमें से अगर हम बात करें तो 2310 संविदा पद है वो 2019-20 के लिए स्वीकृत है, लेकिन जिनपे जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्थगित कर दी गई थी, और 2020-21 की बात करें तो 5500 पद और स्वीकृत किए गए थे। ऐसे में सभी पदों पे जो भर्ती स्थगित हो गई थी, नए स्वीकृत हुए थे, आज नए और एडिशन किए गए हैं, तो सभी 7810 पदों पर अब संविदा के आधार पर भर्ती होगी। और माना जा रहा है कि इसी महीने इनकी एक औपचारिकता पूरी करके प्रदेश के जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा, और साथ में जो स्वास्थ्य संस्थान है उनको हेल्थ और जो वेलनेस सेंटर के रूप में जो विकसित करने का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लक्ष्य है, जिस तरह से कोरोना का संकट चल रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेडिकल का मजबूत करने की लगातार कवायद चल रही है, तो इन भर्ती के बाद में एक बड़ा सहयोग मिलेगा और साथ में रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर नरेश, और बड़ा फैसला मुख्यमंत्री का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।